हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गुणशेखर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फ्रेंस में पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फ्रेंस में पर अगर अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर दबा देंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच गए थे, जो क्वेश्चंस बचे थे उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। इससे पहले हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए है एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक ना, जेड से बिलोंग करता है, पूर्णांक है जेड, जेड का मतलब होता है पूर्णांक, और एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड 12 से लेस एंड इक्वल है, में दिए गए निम्नलिखित संबंध आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। देखिए, आर ए कॉमा बी सच डेट ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, ए कॉमा बी सच डेट ए इक्वल टू बी। ठीक ना, तो ये दो सेट है, इसमें हमें दिखाना है कि एक तुल्यता संबंध है। और इसी में एक क्वेश्चन में देखें कि प्रत्येक दशा में ए वन से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, कि वन से जो रिलेट करते हैं उन सारे एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ए इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग करता है जेड सच डेट एक्स जो है वो लेस देन इक्वल 12 है एंड ग्रेटर देन इक्वल 0 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे सेट ए की, तो सेट ए हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ठीक है, 12 तक होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पे फर्स्ट रिलेशन है सेट आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज क्या है, 4 का गुणज है। ठीक है, हमें यह दिखाना है कि 4 का गुणज है, तो रिलेशन एक सौतुल्य है, सॉरी तुल्यता है। देखिए, फर्स्ट हम क्या करते हैं, माना ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि ए माइनस ए का मॉड 0 और 0 4 का गुणज है। कितने बार गुणज होता है, 0 बार, 0 टाइम्स होता है, तो इसलिए 4 का गुणज है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पे तो यह जाएगा आपका, माना ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, ठीक ना, क्योंकि ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है। ठीक ना, तो सच डेट कि बी कॉमा ए बी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि बी माइनस ए, देखिए ए माइनस बी अगर 4 का गुणज है तो बी माइनस ए भी 4 का गुणज है, अगर दोनों मॉड में है बी 4 का गुणज है, तो आर एक सममित है, सममित संबंध है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे आर एक सौतुल्य है, तो आर सौतुल्य भी संक्रामक भी है। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं, माना ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी जो है ये आपका बिलोंग कर रहा है ए से। ठीक, किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, जब ये हमने मान लिया है तो क्या मानेंगे कि ए कॉमा बी ये बिलोंग करेगा आपके आर से, लिखेंगे क्योंकि ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक, और बी कॉमा सी
ये भी आपका आर से बिलोंग करेगा क्योंकि यहां पे लिखेंगे बी माइनस सी का मॉड चार का गुणज है। देखिए ए माइनस बी चार का गुणज है, बी माइनस सी चार का गुणज है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, ए माइनस सी की, तो ए माइनस सी चार का गुणज है कि नहीं है वो देख लेते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए माइनस सी, ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ए माइनस सी क्यों ले सकते हैं, ए माइनस बी और बी प्लस सी। देखिए ए माइनस बी भी चार का गुणज है, बी माइनस सी भी चार का गुणज है, ठीक है ना। ये इसका गुणज, ये चार का गुणज, ये चार का, तो प्लस देख इसको इस तरीके से अगर हम बात करें, देखिए इसको अगर लिख सकते हैं, इसको हम मान लें तो ये चार का गुणज है, तो इसको लिख सकते फोर एक्स और इसको लिख सकते फोर वाई, मान लेते हैं माना, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि फोर कॉमन है तो एक्स प्लस वाई, क्या जाएगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, देखिए ए माइनस सी एक्स प्लस वाई फोर के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब तो इम्प्लाइज ए माइनस सी जो है वो चार का गुणज है। जब ये चार का गुणज है तो हम लिख सकते हैं ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग करेगा, जब ये आर से बिलोंग करेगा तो आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। संक्रामक भी हो गया तो लिखेंगे अतः आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक। यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू फोर एक्स, बी माइनस सी इक्वल टू फोर वाई, ठीक है, मान लेते हैं ये माना हमने, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसलिए एक तो लेते संबंध है। अच्छा अब क्वेश्चन यहां पूछा था एक से संबंधित कौन से अवयव है, तो एक से संबंधित अवयव एक कॉमा पांच, एक कॉमा चार का गुणज ना, एक कॉमा नौ, एक कॉमा कितना बारह तक है, तो देखिए चार चार का डिफरेंस, एक कॉमा नौ आठ हो जाएगा, एक कॉमा तेरह, एक कॉमा तेरह डिफरेंस कितना हो जाएगा बारह का, लेकिन एक कॉमा तेरह बिलोंग नहीं करेगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो एक कॉमा एक बिलोंग करेगा, ठीक ना। तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक। तो हम लिख सकते हैं जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वन कॉमा फाइव कॉमा नाइन, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए एक कॉमा एक जीरो जाएगा, चार का गुणज है, एक कॉमा पाँच चार आ जाएगा, एक एक माइनस पाँच चार आ जाएगा, चार का गुणज है, एक माइनस नौ कितना जाएगा आपका आठ आ जाएगा, आठ जो है वो चार का गुणज है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए माइन ए इक्वल टू बी, ये है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो फर्स्ट फर्स्ट क्या सौतुल्य चेक करते हैं, तो सौतुल्य के लिए देखिए क्या हो जाएगा, ये ए अगर ए से बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि ए बराबर होता है ए, तो ए बराबर ए होता है, तो आर एक सौतुल्य संबंध है। अच्छा ए कॉमा बी बिलोंग करता आर से, क्योंकि ए बराबर बी, तो बी बराबर ए, इसलिए सच डेट बी कॉमा ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो आर एक सममित संबंध है। तो आर एक हमारा क्या है, सममित संबंध है।
चलिए आर सबमिट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, बी कॉमा सी आर से बिलोंग करता है, क्योंकि ए इक्वल टू बी तथा बी इक्वल टू सी। देखिए ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, इसलिए बी सॉरी ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। जब ये सी के इक्वल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा सी किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तो आर एक संक्रामक संबंध है, तो आर एक संक्रामक संबंध है, तो इसलिए यह लिख सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तो आर एक तुल्यता संबंध हो गया। नेक्स्ट इसमें निकालना है कि एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं, तो एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव क्या होगा, एक ही होगा। क्यों, क्योंकि बराबर है, ए बराबर बी है, तो ए के बराबर वन के बराबर क्या होगा, वन ही होगा। तो वन के इक्विवेलेंट अवयव या रिलेटिव अवयव जो है एलिमेंट्स जो है वो क्या जाएगा हमारा, वन हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए, ऐसे उदाहरण का संबंध दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं, उसमें से कोई छाट लेना। संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही सममित भी हो। संक्रामक है और कह रहे हैं स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है, तो ये भी अब मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में। स्वतुल्य सममित ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना, पीछे से एग्जाम्पल आप देख लेना। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल के समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, किसका समुच्चय, बिंदु का समुच्चय में आर पी कॉमा क्यू, बिंदु पी और बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए बिंदु पी नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी अवयव का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो सबसे पहले तो दिखा दें कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे A जो है वो बिंदुओं का समुच्चय है, बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक ना। R यहाँ पे रिलेशन है पी क्यू का, ठीक है, सच डेट ओ पी, ओ पी मतलब ओ से मूल बिंदु की दूरी बराबर ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू का मतलब ओ से क्यू तक की दूरी, ठीक है, ये दे रखे हमारे क्वेश्चन में। तो सिंपली ओ पी बराबर मूल बिंदु से पी की दूरी ओ क्यू, मूल बिंदु से क्यू की दूरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट, ठीक है, मान लेते हैं, माना पी कोई एक सेट बिंदु है जो ए से बिलोंग करता है, तो यह जगह P कॉमा P बिलोंग करेगा R से, क्योंकि ओ पी बराबर ओ पी, मतलब ओ की P से दूरी, मूल बिंदु की P से दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो P कॉमा P R से बिलोंग करेगा, तो R एक स्वतुल्य संबंध है, तो R हमारा एक स्वतुल्य संबंध होगा। चलिए देखते हैं सिंपली नेक्स्ट, माना पी क्यू, पी और क्यू दो बिंदु हैं जो आर से बिलोंग करता है, क्योंकि ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक है,
क्योंकि ओपी बराबर क्या है, ओ क्यू है, इसलिए हम दिखा सकते हैं कि ओ क्यू बराबर ओपी होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर, तो ओ क्यू ओपी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इम्प्लाइज दैट क्यू कॉमा पी भी बिलोंग करेगा किससे, आर से, आर से बिलोंग करेगा। तो आर एक हमारा, आर एक सममित संबंध है, आर एक हमारा सममित संबंध है, तथा पी कॉमा क्यू कॉमा आर, टी लेते हैं, आर नहीं, आर तो रिलेशन हमारा है ना, पी टी पी क्यू टी, ठीक है ना, ये बिलोंग करता है आपका ए से, ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो मान लेते हैं पी कॉमा क्यू बिलोंग करता है आर से, क्योंकि देखिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, तथा क्यू टी बिलोंग करता है किससे, आर से। क्यू और टी दो बिंदु है अलग अलग, ठीक है, बिंदुओं का समुच्चय है, क्योंकि ओ क्यू इक्वल टू ओ टी। देखिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, ओ क्यू इक्वल टू ओ टी है, इसलिए ना ओ पी इक्वल टू जाएगा ओ टी। देखिए ओ पी ओ टी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब पी कॉमा टी बिलोंग करेगा किससे, आर से। जब ये आर से बिलोंग करेगा तो आर एक संक्रामक संबंध है, तो आर एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो इसका मतलब आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए इसके आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा क्वेश्चन में, कह रही कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक ना। तो सभी बिंदुओं का सेट, समुच्चय, सेट का मतलब समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय P नॉट इक्वल टू 0,0, P 0,0 नहीं है, ठीक है ना, सही बिंदु का समुच्चय P, P मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे। बस लैंग्वेज लिखना है आपको, समान दूरी पर होंगे, इसलिए यह दूरी वृत्त की त्रिज्या को निरूपित करेगा, ठीक ना, वृत्त की त्रिज्या को निरूपित करेगा। देखिए ये एक सेंटर हो गया जो कि मूल बिंदु है ना, इससे अलग अलग पॉइंट से, एक पॉइंट ये हो गया, 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 ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट का जो समुच्चय है वो मूल बिंदु से समान दूरी पर है, तो इसका मतलब ये सारा जो बिंदु है वो वृत्त के परिधि पर होगा, ये वृत्त के परिधि पर होगा, निरूपित करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु 0,0 पर है, या 0,0 पर होगा, ठीक है, जिसका केंद्र 0,0 पर होगा, ठीक है। तो ये हो जाए हमारा आंसर, इतना आपको लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज को आपको छोड़ देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, समस्त त्रिभुज के समुच्चय ए में आर टेंस टू T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 एंड T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, यह हमें बताना है। तो सिंपली ए जो है त्रिभुज का समुच्चय है, त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक है,
आर एक रिलेशन दे रखा है टी वन टी टू, दो त्रिभुज सच डेट टी वन इज सिमिलर टू टी टू, ठीक ना, इज सिमिलर टू टी टू, सिमिलर का मतलब समरूप, ठीक ना, ये इसके समरूप है। तो यहां पे टी वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, सच डेट टी वन कॉमा टी वन बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि टी वन सिमिलर होगा टी वन के, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, टी वन मतलब सिमिलर का मतलब देखने में एक जैसा, जैसे आप और आप, ठीक ना, आप और आपका फोटो, या आप मिरर में आपका इमेज बन रहा है, तो ये दोनों सिमिलर है ना, सेम चीज है ना, एक ही जैसा बनता है ना, तो ये चीज क्या जाएंगे, सिमिलर, तो टी वन के सिमिलर होगा, तो आर स्वतुल्य है, ठीक ना, आर हमारा स्वतुल्य है। नेक्स्ट टी वन टी टू बिलोंग करता है आर से, तो ठीक ना, क्योंकि क्योंकि टी वन सिमिलर है टी टू के, इसलिए टी टू भी सिमिलर होगा टी वन के, डेट इज इम्प्लाई टी टू टी वन के सिमिलर होगा, और ये आर से बिलोंग करेगा, कहाँ से, किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। अच्छा ठीक है, चलिए आर से बिलोंग करेगा, बहुत बढ़िया, अगर ये आर से बिलोंग करता है तो आर क्या जाएगा, आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक हमारे क्या है, संक्रामक संबंध है। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट मान लेते हैं, माना टी वन टी टू बिलोंग करता आर से, ठीक, क्योंकि टी वन सिमिलर है टी टू के, तथा टी टू कॉमा टी थ्री बिलोंग करता आर से, क्योंकि टी टू सिमिलर है टी थ्री के, हो जाएगा। अच्छा टी वन टी टू के सिमिलर है, ठीक ना, लिखेंगे अतः टी वन सिमिलर है टी टू के, तथा टी टू सिमिलर है टी थ्री के, ठीक, इसलिए क्या जाएगा, टी वन सिमिलर हो जाएगा टी थ्री के, और ये इम्प्लाई करेगा कि वन टी वन कॉमा टी थ्री ये बिलोंग करेगा आपका किससे, आर से, जब ये आर से बिलोंग करेगा तो आर एक संक्रामक आव्यू है, ठीक कहलाएगा, ये एक संक्रामक आव्यू कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हमारे पास कंडीशंस दे रखा है, टी वन सेट दे रखा है, टी वन त्रिभुज, टी वन की भुजा तीन चार और दस, त्रिभुज टी टू की भुजा पांच बारह और तेरह, और त्रिभुज टी थ्री की भुजा, ठीक है ना, छः आठ और दस। इसमें से कह रहे कि कौन सी त्रिभुज एक दूसरे के साथ संबंधित है, तो सिंपली एक हमने क्लास टेंथ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिमिलर ट्रायंगल का, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए कॉन्सेप्ट है कि इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं टी वन व टी थ्री में, टी वन व टी थ्री में देखिए, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, लेकिन सिमिलर है कि नहीं है वो अलग चीज है, ठीक है ना, समरूप तो है, समरूप और सिमिलरिटी में डिफरेंट है, समरूप मतलब देखने में एक जैसा, सिमिलर का मतलब उसके भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे तीन बटे छः बराबर चार बटे आठ बराबर पांच बटे दस बराबर एक बटे दो, भुजाओं का अनुपात है, इसका मतलब है टी वन त्रिभुज टी वन टी वन, ठीक ना, सिमिलर है त्रिभुज टी थ्री के, इसलिए टी वन टी थ्री से संबंधित है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, टी वन टी थ्री से संबंधित है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर टेंस टू पी वन पी टू पी वन तथा पी टू की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से संबंधित एक संबंध आर एक तुल्यता संबंध है 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए कह रही बहुभुजों के समुच्चय में ए बहुभुज है और कह रहे कि आर पी वन कमा पी टू, पी वन और पी टू की भुजाओं की संख्याएं समान है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपली इसमें सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस लैंग्वेज से आपको लग रहा होगा। ए जो है बहुभुजों का समुच्चय, ठीक है, आर पी वन कॉमा पी टू सच डेट पी वन की भुजा बराबर पी टू की भुजा की संख्या, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली पी वन इज बिलोंग्स टू ए, तो पी वन कॉमा पी वन बिलोंग्स टू आर क्योंकि पी वन की भुजा बराबर पी वन की भुजा, तो आर एक तुल्यता संबंध है, मतलब एक चतुर्भुज दूसरे चतुर्भुज से संबंधित है क्योंकि एक चतुर्भुज में चार भुजा है, दूसरे चतुर्भुज में चार ही भुजा है, ठीक है। चलिए पी वन कॉमा पी टू ये बिलोंग करता आर से क्योंकि पी वन की भुजा की संख्या बराबर पी टू की भुजा की संख्या बराबर है, ठीक है। इसलिए पी टू कॉमा पी वन इज बिलोंग्स टू आर क्योंकि पी टू की भुजा की संख्या बराबर पी वन की भुजा की संख्या, ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए आर एक सममित भी है, आर क्या है हमारा सममित है, चलो बहुत बढ़िया, आर सममित भी हो गया, ठीक। तथा पी वन कॉमा पी टू और पी टू कॉमा पी थ्री इट इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, सच डेट पी वन इक्वल टू पी टू भुजाओं की, यहाँ पे हम पी वन इक्वल टू पी टू की बात कर रहे हैं, मतलब भुजाओं की संख्या की बात कर रहे हैं कि पी वन की संख्या, पी वन में भुजाओं की संख्या, पी टू में भुजाओं की संख्या बराबर है तथा पी टू बराबर पी थ्री, इन दोनों में ये भी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी संख्या भी आपस में बराबर है। देखिए पी वन पी टू के बराबर, पी टू पी थ्री के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पी वन में भुजा की संख्या, में भुजा की संख्या बराबर हो जाएगा पी थ्री में भुजा की, भुजाओं की संख्या या जो भी लिख सकते हो, भुजाओं की संख्या लिख सकते हैं या भुजा की संख्या, ठीक है, जैसे आपको लैंग्वेज सही लगे। देखिए अब तो इसका मतलब क्या हो, पी वन कॉमा पी थ्री ये आपको बिलोंग करेगा किससे, आर से बिलोंग करेगा। देखिए पी वन कॉमा पी टू आर से बिलोंग कर रहा है, पी टू पी थ्री आर से बिलोंग कर रहा है, तो पी वन पी थ्री भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आर संक्रामक संबंध है, ये क्या है, एक संक्रामक संबंध है, लिख देंगे अतः आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है अगेन इसमें यहां पे क्या कह रहे हैं कि 3, 4 और 5 लंबाइयों या लंबाई की भुजा वाले, मतलब 3, 4 और 5 सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए
के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मतलब सभी अवयवों का समुच्चय मतलब कौन सा सेट है वो। तो सिंपली देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो 3, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 3, 4, 5 इकाई की लंबाई की भुजा, इकाई की भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए इसलिए यह एक इसलिए यह एक त्रिभुज के समुच्चय को दर्शाता है, ठीक है। तो किसका सेट होगा, ये एक ट्रायंगल का सेट होगा, क्लियर, सिंपल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 14 वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, कह रही कि मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, एल में आर, एल में आर का मतलब संबंध आर है जो L1, L2 सच डेट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है और रेखा बाई इक्वल टू 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास L एक एक्स वाई तल पर स्थित रेखाओं का समुच्चय है, L एक्स वाई तल पर स्थित रेखाओं का समुच्चय है, समुच्चय रेखाओं का समुच्चय, ठीक। इसमें R एक रिलेशन है L1, L2 सच डेट L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है। L1 पैरेलल है किसके, L2 के, बहुत बढ़िया, गजब। देखिए मान लेते हैं, माना L1 बिलोंग करेगा L से, तो है ना L1, L1 बिलोंग करता है R से क्योंकि L1 पैरेलल है L1 के, ठीक है। क्योंकि L1 के ही क्या होंगे, जैसे एक लाइन ड्रॉ किया ये वाला जो लाइन है इसी के ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे तो सेम लाइन हो जाएगा और सेम लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, L1, L2 बिलोंग करता है R से क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L2 तथा, देखिए अगर L1 L2 के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं L2 पैरेलल होगा L1 के, ठीक ना। तो इसका मतलब L2, L1 भी बिलोंग करेगा R से, क्या करेगा, R से बिलोंग करेगा। तो R एक सममित संबंध है, ठीक है। चलिए L1, L2, L3 तीन लाइन है जो R से बिलोंग करता है, L1, L2 R से बिलोंग करता है, L2, L3 R से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है L1 पैरेलल है L2 के तथा L2 पैरेलल है L3 के। देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा कि L1 भी L3 के पैरेलल है। देखिए एक लाइन एक लाइन एक लाइन, ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L3, जब L1 L3 के पैरेलल है तो इसका मतलब L1 एंड L3 बिलोंग करेगा R से। तो R एक संक्रामक संबंध है, तो R क्या जाएगा हमारा, एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए R एक तुल्यता
संबंध है, ठीक है, आर क्या जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, एक पार्ट और दे रखा है क्वेश्चन का, कह रही कि रेखा वाई इक्वल टू 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय, ठीक है, 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय क्या है। तो देखिए वाई इक्वल टू 2x+4, ठीक है, हमें समांतर रेखाओं का समुच्चय निकालना है, ठीक है, में रेखा की ढाल, अगर इसको हम कंपैरिजन करते हैं y इक्वल टू mx+c से, तो ढाल m बराबर हो जाएगा 2। तो ऐसे रेखाओं का समीकरण जिसकी ढाल 2 है, तो ऐसे रेखाओं का समुच्चय, ठीक है ना, तो समांतर रेखाओं का समुच्चय यह हो जाएगा y बराबर, देखिए ढाल बराबर होनी चाहिए, ढाल अगर बराबर है तो समांतर है, तो ढाल 2 है तो y बराबर mx प्लस c में, इसमें ढाल अगर 2 होगा तो 2x प्लस d या x या कुछ भी रख सकते हैं, a कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एक समीकरण हो जाएगा जहां a इक्वल टू नियतांक, ये कुछ भी हो सकता है, a का वैल्यू 1 रख देंगे एक क्वेश्चन मिलेगा, a का वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 इक्वेशन, एक और इक्वेशन मिलेगा, a का वैल्यू 3 रख दोगे तो 1 इक्वेशन में, तो a का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा सेट भी बनता जाएगा, किसका, रेखाओं के समुच्चय का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है 1.1 इसका दी एंड होता हुआ, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन, कि मान लीजिए कि समुच्चय 1, 3, 4, 5 में हर एक साइड दे रखा है 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 3, 3, 3, 2 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1, 2 8 से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 2, 1 कहीं से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं, 2, 2 बिलोंग कर रहे हैं, 1, 1 बिलोंग कर रहे हैं, 3, 3 बिलोंग कर रहे हैं, 4, 4 बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सौतुल्य भी है, ठीक है ना, सममित भी होगा। जैसे 1, 3 बिलोंग कर रहे हैं, 3, 2 बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, 3, तो 1, 2 भी इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है, तो ये सौतुल्य भी है, संक्रामक भी है, किंतु सममित नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमारा बी पार्ट इसका सही होगा। इसी तरीके से इसका भी देख लेना 60 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए है, आप चेक करके बता देना कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो चलिए ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1, जो कि हमने 3 पार्ट्स में खत्म किया है, तीनों पार्ट्स बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस पहले 2 पार्ट्स के, तो वो दोनों भी आप देख लीजिए, कहीं आपको कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, टेलीनोर ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप्स में आपके लिए असाइनमेंट है, आपके लिए टेस्ट सीरीज है, तो जल्दी से जल्दी ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और अपने प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बड़ा बनाइए, ताकि हम सबके लिए बेनिफिशियल हो और हम अपनी अच्छे प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।